हाँ जी, ऑनलाइन क्लास आवाज आ रही है? जी सर। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं फिर। और नोट्स गायब हो गए हैं। क्या चीज? आ गए। ओके, लास्ट सैटरडे को ना हमारा एक सेशन हुआ था जिसको प्रैक्टिकल सेशन कहते हैं, ठीक है। अब सैटरडे को हमारा हुआ करेगा सेशन, बल्कि मंडे को हुआ है, मंडे को हुआ करेगा हमारा सेशन प्रैक्टिकल्स का, एंड सैटरडे को हम थ्योरी पढ़ा करेंगे, क्योंकि अब थ्योरी थोड़ी रह गई और आपका प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो हमने वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ना हाउ नाउ की थी उस दिन थोड़ी। तो अब हम थ्योरी का, आज थ्योरी डे है, तो चले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ओके, तो लास्ट तक हमने डिस्प्ले डिवाइसेस तक पढ़ा था। मैंने जैसे आपको बताया था कि डिस्प्ले डिवाइसेस हमारे पास वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, हमारे पास विजुअल फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन नजर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पिक्चर्स हैं या कोई वीडियोज हैं, तो वो हमें विजुअली नजर आ रही हो, तो वो जिस डिवाइस के ऊपर नजर आएंगी वो हमारे पास डिस्प्ले डिवाइस हो जाएगी। इसकी जस्ट हमने आगे एक पिक्चर देखी थी कि डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जी, तो ये डिवाइसेस हैं जिसको हमने देखा था। तो अब ये सारी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, अब जो जिस चीज के ऊपर आपको विजुअली नजर आ रहा है, तो ये आपके पास सारी डिस्प्ले डिवाइसेस आ जाएंगी। अब इसमें हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं कि फ्लैट पैनल डिवाइसेस क्या होती हैं। अब इसी चीज के अंदर आप देखें कि ये सर बिल्कुल नजर नहीं सामने आ आपको रहा है। चीजें नजर आ रही हैं, ये फ्लैट पैनल डिवाइसेस हैं। इसमें अब ये सर चीज है नहीं आ रही बस। लेस वॉल्यूम, ये जगह कम घेरती हैं, इसके अलावा इनका वेट हल्का होता है, ये पावर कंजप्शन इसकी ना कम होती है दूसरे टीवी से। जैसे हमारे पास पहले मॉनिटर्स आते थे, तो उससे इसकी कंजप्शन जो है ना वो कम हुआ करेगी होती है। तो इसके बाद इसकी इसकी एडवांटेजेस इतने ज्यादा थे कि इसने सीआरटी जो हमारे मॉनिटर्स होते थे उसको इन्होंने ना वो कर दिया, उसकी रिप्लेस कर दिया उसको। तो अब क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो टीवीज वगैरह चलते होते थे हमारे घरों के अंदर, उनको एलसीडीज ने और एलईडीज ने कितनी जल्दी रिमूव किया, कि अब एलसीडीज के काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं, इसके ऊपर मल्टीपल हम चीजें यूज भी कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लास आवाज आ रही है? सर आ रही है। कनेक्टिंग पे चला गया था। आप चुप कर जाते सर तब नहीं आती। क्या चीज? सर वो नोट्स गायब हो जाते मैंने कहा बार बार। वो आ जाते हैं वो ना, ये बस यहाँ पे इंटरनेट इस तरह का कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। आगे? अच्छा, हम फ्लैट पैनल डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। जी हाँ, सर आ गए फ्लैट पैनल हैं। डिवाइसेस के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं कि ये हम इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, वेरिएटिंग मिस्टर पैनल। अच्छा,
इसमें हम ग्राफिक्स का काम कर लेते हैं, टेक्स्ट और इमेजेस जितने भी हैं वो हमारी फ्लैट पैनल डिवाइसेस के ऊपर हमें शो हो जाती हैं। अब फ्लैट पैनल डिवाइसेस के आगे दो टाइप्स हैं, एक इमर्सिव डिस्प्ले एंड एक नॉन इमर्सिव डिस्प्ले। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को, इमर्सिव डिस्प्ले को। अब इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, इसको ये लाइट एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है ना, ये इमर्सिव डिस्प्ले होता है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, प्लाज्मा पैनल आ जाती है। और प्लाज्मा, जैसे कि प्लाज्मा डिस्प्ले मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम प्लाज्मा को भी यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा आपकी जो एलईडीज आ जाती हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी इसी डिस्प्ले कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। इसके बाद नॉन इमर्सिव डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अब जो नॉन इमर्सिव डिस्प्ले है, इसमें ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि ये ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये इसको करता है, ग्राफिक पैटर्न है ये, टू कन्वर्ट सनलाइट और अदर सोर्स ऑफ, हाँ, तो ये इन चीज़ों को करता है। जैसे ये एलसीडी का मैंने आपको बताया था कि ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अब ये इसमें और एलईडीज में बहुत फ़र्क है, दोनों दोनों के डिस्प्लेज का बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि जो नॉन इमर्सिव डिस्प्ले है ना हमारे पास, ये ऑप्टिकल इफेक्ट्स आते होते हैं इसके अंदर, और ये उसको कन्वर्ट करता है ग्राफिकल पैटर्न्स के अंदर। इसके एडवांटेजेस देख लें, फ्लैट पैनल डिवाइसेस लाइक एलसीडी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डिजिटल इमेजेस। अब देखें, जो पुराने आप देखते होते थे, ये कौन कर रहा है, अच्छा, जो आप पुराने कंप्यूटर्स देखते होते थे उसके अंदर जो मॉनिटर्स वगैरह आ जाते थे, तो उन मॉनिटर्स के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी एचडी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती थी, आप उसके ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता था, इवन एचडी भी नहीं होता था। तो अब जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं, इसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है इमेजेस वगैरह। इसमें आपके पास वीडियो आप देखे लें तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर 4K एंड 8K वीडियो भी सपोर्ट कर रही हैं फ्लैट पैनल डिवाइसेस। अच्छा, इसके बाद ये एक और चीज़ है कि ये ना स्पेस कम ले रही हैं। पहले हमें वो पूरे मॉनिटर के लिए एक ट्रॉली वगैरह लेनी पड़ती थी, उसके अंदर बकायदा उसको फिक्स करना पड़ता था, लेकिन जो फ्लैट पैनल डिवाइसेज हैं ये दीवार के ऊपर माउंट हो जाती हैं, तो ये हमारी स्पेस भी सेव कर रही है और इसका डिज़ाइन भी अच्छा होता है। तो उसके बाद अब ये पावर भी लेस कंज्यूम करते हैं। जैसे पहले जो हमारे सीआरटी मॉनिटर्स होते थे वो पावर भी काफ़ी ज़्यादा लिया करते थे, लेकिन अब जो फ्लैट पैनल डिवाइसेज हैं ये पावर भी कम लेती हैं और जगह भी कम लेती हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं फ्लैट पैनल डिवाइसेज के, इसी वजह से इसने सीआरटी मॉनिटर्स को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर फुल कलर डिस्प्ले कैपेबिलिटी आ जाती है। अब जैसे कि कई हमारे पुराने सीआरटी मॉनिटर्स होते थे, उनमें ये सीन था कि वो 2 या 3 कलर सपोर्ट करते थे मैक्सिमम, उसके बाद जो दूसरा कोई और कलर आ जाता था तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। लेकिन अगर हम आजकल के फ्लैट पैनल डिवाइसेस को उससे कंपेयर करें तो आजकल प्रॉपर आपको फुल कलर डिस्प्ले कैपेबिलिटी मिल जाती है इन फ्लैट पैनल डिवाइसेस के अंदर। इसके बाद फुल मोशन वीडियो कैन बी व्यूड। अब आप देखें कि आपके पास कोई बहुत अच्छी वीडियो हो जिसके अंदर आपके पास काफ़ी इफेक्ट्स वगैरह उसने डाले हों, जैसे अडोब आफ्टर इफेक्ट की वीडियोज़ देखते हैं, तो वो आपके इजीली चल जाती है। आप बेशक स्लो मोशन में देख लें, आप बेशक वो टाइम लैप्स जो होता है आप उसको यूज़ करके देख लें, तो वो आपकी फ्लैट पैनल डिवाइसेस के ऊपर रन हो जाती हैं। ये पुराने सीआरटी मॉनिटर्स इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे, ये फ्लैट पैनल डिवाइसेस जो हैं ये करती हैं, इसलिए इन्होंने उन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन डिवाइसेस के अंदर, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास आ जाता है प्रिंटर। अब ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे कि ये प्रिंटर क्या चीज़ है। अब कंप्यूटिंग के अंदर ये एक प्रिंटर एक पैराफिल डिवाइस है, पैराफिल डिवाइस है विच मेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट यूजुअली ऑन अ पेपर। इसके ऊपर आप कोई भी आपके ग्राफिक्स हैं, आपकी आपकी इमेजेस हैं, या आपका कोई भी इस तरह का टेक्स्ट है, उसका पेपर की फॉर्म के ऊपर जिस चीज़ से प्रिंट लेते हो ना, वो आपका आ जाता है प्रिंटर। ये आपकी एक डिवाइस है जिसको आप यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि प्रिंटर्स आपने ऑफिस में देखे होंगे, और ये बच्चे अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने देखा होगा कि हम जो पेपर के ऊपर हम ज़्यादातर इसको जब अपने डाटा को हार्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो तब हम इस प्रिंटर को यूज़ करते हैं। ये प्रिंटर्स हैं जो सबने देखे होंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है आउटपुट डिवाइस के अंदर, ये स्पीकर आ जाते हैं। अच्छा, स्पीकर के अंदर क्या आ जाता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है साउंड के अंदर। ये हमारा कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर डायरेक्ट इसको साउंड नहीं देता, तो कंप्यूटर के अंदर एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल,
वो इसको देता है, ये आगे से उसको कन्वर्ट कर देता है साउंड के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस हुई। आउटपुट डिवाइस का मैंने आपको ये बताया था, कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे कंप्यूटर हमें आउटपुट दे रहा हो, वो एक आपके पास आउटपुट डिवाइस आ जाएगी। जैसे हमने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दी तो अब कंप्यूटर उसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई आउटपुट देगा। अब उस आउटपुट, वो डिपेंड करता है कि वो आउटपुट किस तरह की होगी। अगर तो वो साउंड की फॉर्म में होगी तो वो स्पीकर्स के थ्रू आ जाएगी, अगर वो किसी हार्ड फॉर्म पेपर के थ्रू हमें चाहिए होगी तो वो प्रिंटर के थ्रू आ जाएगी, अगर सिर्फ वो विजुअल हुई आउटपुट तो वो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन जो होते आ जाती हैं। अच्छा, तो ये स्पीकर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हैंडसेट। अब आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपने देखा होगा पहले काफ़ी यूज़ होता रहा PTCL का जो सेट होता था हमारे पास, उसके साथ एक हम जो रिसीवर होता था जिसको हम कान पर लगाते थे और साथ उससे बोलते भी होते थे। तो ये वो उस चीज़ की बात कर रहा है कि हमारे पास हैंडसेट एक वो टेलीफोन का कंपोनेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं। एक हमारा उसका जो ईयर पीस होता है वो हमारे बोलने के लिए, और एक जो हम अपने कान पर लगाते हैं। तो ये भी आगे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगी ये चीज़ है। तो ये आप इवन मोबाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हैंडसेट कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए एज अ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस के तौर पे ना ये काम करती है। इनपुट इस तरह के जो आपने माइक से बोलना है वो इससे इसने कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देना है, और जो कंप्यूटर ने आगे से साउंड देना है वो यहाँ स्पीकर से आपको इसका पता लग जाना है। तो ये बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाता है। सर जो हेडफोन होते हैं, हेडफोन्स हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन और हैंड फ्री भी यही काम करती हैं। हेडफोन्स जो है ना जिसके अंदर माइक नहीं होता उसके साथ भी माइक होता ही है। हाँ, जिसके अंदर माइक नहीं होता वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस आ जाएगी, और जिसके अंदर माइक होता है वो हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस आ जाएंगी, वो एट अ टाइम काम कर रहा होता है। जैसे कॉल सेंटर्स के अंदर उन्होंने यूज किया होता है, हेडफोन्स लगाए होते हैं और उसके साथ माइक होता है। ओके जी सर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास चीज आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेस की, बात कर लेते हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर का एक बहुत ना बेसिक कंपोनेंट है, इसके बगैर कंप्यूटर्स वगैरह ना चल नहीं सकते। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर वो ये बता रहा है कि ये कंप्यूटिंग हार्डवेयर है जिसको हम यूज करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। इसके अंदर हम डाटा फाइल्स अपनी रखते हैं, अपने डिफरेंट चीजें ना इसके अंदर हम यूज करते हैं जो सेव करवाने के लिए, वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस काम करती हैं। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ये है कि वो हमारा पास डाटा टेम्पोरेरी भी रख सकती हैं और परमानेंटली भी रख सकती हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे करते हैं यूज़। दे मे बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं तो वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेज की कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपके पास जो USB है वो भी आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है, आपके पास जो CDs हैं वो भी आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड ड्राइव है आपके कंप्यूटर की वो भी आपके पास स्टोरेज डिवाइस है। अब जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है अगर वो स्टोरेज डिवाइस ना होती तो कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी भी चीज़ को रन होने के लिए कोई जगह चाहिए। अब वो जगह होगी नहीं तो वो कैसे चलेगा। तो इसलिए ये बहुत एक बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर का, तो इसलिए स्टोरेज डिवाइसेस जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन स्टोरेज की आगे डिवाइसेस की काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। तो उनमें सबसे पहले जो है वो फ्लॉपी डिस्क है। अब फ्लॉपी डिस्क का ज़्यादातर को नहीं पता होगा, तो फ्लॉपी डिस्क का मैं आपको बताता हूँ कि फ्लॉपी डिस्क ना सबसे पहले यूज़ होती थी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस के अंदर। अब इसका क्या सीन था कि ये इस तरह की होती थी फ्लॉपी डिस्क, ये एक मैग्नेटिक टेप होती थी, मैग्नेटिक टेप टाइप होती थी। तो इसके अंदर ये सीन था कि मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम था, ये ना एक प्लास्टिक के कवर के अंदर ना कवर्ड होती थी। अब इसका ये था कि इसको हम कंप्यूटर के अंदर ना, आपने बहुत पुराने कंप्यूटर्स देखे हों तो जिनके अंदर पेंटियम 4 आ जाता था, तो पेंटियम 4 के अंदर आपके पास हार्ड ड्राइव्स के अलावा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होती थी, कि वहाँ पे हम फ्लॉपी डिस्क को ना एंटर कर सकते थे और वो इसके अंदर डाटा स्टोर वगैरह ना कर सकते थे। तो अब इस ड्राइव के अंदर ना ये प्लास्टिक के कवर के अंदर वो होती थी हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज होता था मीडियम। तो जब हम इसको ड्राइव के अंदर लगाते थे तो उसके बाद ये अंदर चली जाती थी, तो हम इसको प्रॉपर यूज़ करते होते थे बाद में। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह की नज़र आती होती थी, ये इस तरह की। तो लेकिन ना इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज था। सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस के अंदर ना जो हम यूज़ करते होते थे वो फ्लॉपी डिस्क थी। अब फ्लॉपी डिस्क का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि ये ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर पाती थी अंदर। इसके अंदर मैक्सिमम डाटा 3 MB स्टोर होता था
इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी स्पेस ही इतनी होती थी, ये इससे ज्यादा स्टोर ही नहीं कर सकती थी। तो इस चीज के लिए ना फिर इन्होंने काम किया और आगे हम ले आए जिप ड्राइव, आगे हम जिप ड्राइव ले आए। अब जिप ड्राइव क्या चीज है, अब ये एक मूवेबल फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज सिस्टम था जो कि ना 1994 के अंदर ना इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसके अंदर ये था कि ये है तो सेम चीज वैसे ही थी, लेकिन इसको ना थोड़ा सा अपग्रेडेड किया गया, इसकी स्पीड और इवन इसका जो साइज है, क्योंकि पहले हमें मैक्सिमम 3 MB मिल रहा था सिर्फ, तो अब इसके अंदर हमने 100 MB, 250 MB एंड फाइनली हमने 750 MB तक हमने ना स्टोरेज हासिल कर ली इस ड्रिप जिप ड्राइव के थ्रू। अब ये जिप ड्राइव कुछ इस तरह की नजर आती होती थी तब, ये भी यूज होती होती थी। ये तकरीबन पेंटियम 4 और इससे आगे कुछ कुछ ऐसी जनरेशन था जिन तक ये यूज होती रही है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास ना इन्वेंशन थी कि हमने फ्लॉपी डिस्क के बाद ये चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा ली, और ये काफ़ी अरसा चलती रही है, इवन ये 2010 तक लोग इसको यूज़ करते रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई हार्ड ड्राइव्स। अब हार्ड ड्राइव्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। हार्ड ड्राइव जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर ये कंप्यूटर की हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या और कोई चीज़ें जो चीज़ें आ जाती हैं वो सब हार्ड ड्राइव के अंदर ही सेव होती हैं। अब हार्ड ड्राइव जो है, अब ये एक नॉन वोलाटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसके अंदर ना कोई आप परमानेंटली कोई डाटा, जैसे एक चीज़ होती है ना कि आप जैसे देखते होंगे कि पहले आपके पास एक आप गेम की कैसेट्स वगैरह लेके आते थे तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते थे, उसके अंदर ऑलरेडी जो गेम उन्होंने आपको करके दे दी वो गेम एम्बेडेड करके आपको दे देते थे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो गेम जो है वो बस रीड ओनली है। अब जो हार्डवेयर, ये जो हार्ड ड्राइव है ना, इसके अंदर आप इसको बेशक आप इसको डाटा इसके अंदर करके आप इसको डिलीट कर दें, ये इस तरह की स्टोरेज डिवाइस है। डाटा इसको किया, इसको बाद डिलीट कर दिया, फिर नया डाटा कर लिया, फिर डिलीट कर दिया, यानी कि इसके अंदर ये सीन आ जाता है। तो उसके बाद क्या है कि वो आपको बता रहे थे यूजली इंस्टॉल्ड इंटरनली इन अ कंप्यूटर अटैच डायरेक्टली टू डिस्क कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर मदरबोर्ड। अब कंप्यूटर के अंदर ना जो CPU होता है, CPU के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर हम इसको अटैच करते हैं हार्ड ड्राइव्स को। तो इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि इट कंटेन वन और मोर प्लेटर्स इनसाइड ऑफ एन एयर सील्ड केसिंग। अब मैं आपको हार्ड ड्राइव दिखाता हूँ, ये इस तरह की हार्ड ड्राइव होती है हमारे पास। अब ये जो इसके ऊपर वो जो डिस्क बनी हुई है ना, ये जो सिल्वर कलर की बनी हुई है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है। ये भी मैग्नेटिक डिस्क ही होती हैं, लेकिन ये इसको इतना अच्छा तरीके से कर दिया गया है ना कि ये ख़राब नहीं होती, जैसे पहले हमारी वो फ्लॉपी डिस्क और ये जिप ड्राइव्स ख़राब हो जाती थी ना, ये ख़राब नहीं होती। अब ये ना मैं आपको आगे बताता हूँ, ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हम लगाते हैं, तो इसके अंदर वो जो प्लेटर्स की बात कर रहा है, ये जो ऊपर वाले सिल्वर थे ना, ये इन चीज़ों की बात कर रहा है कि ये एयर सील्ड केसिंग के अंदर हम इसको करते हैं ताकि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जा सके। डाटा इज रिटर्न टू द प्लेटर्स यूजिंग अ मैग्नेटिक हेड। अब जो हमारे पास हेड की बात कर रहा है, वो ये जो मैग्नेटिक टेप है ना, ये जो राउंड है, इसके ऊपर जो एक वो साइड पे एक बार बनी हुई है, ये इसका हेड है, मैग्नेटिक हेड है। इसके थ्रू ना हम इसके ऊपर डाटा राइट और राइट करते हैं, यानी कि डाटा कोई भी हमने हार्ड ड्राइव के अंदर करना है ना, तो वो इसके थ्रू इसके अंदर करता है। तो फिर इसके बाद वो क्या कह रहा था कि हाँ जी, ये जो हमारी अंदर वाली ड्राइव है ना, ये स्पिन करती है, यानी कि ये घूमती है। अब एक तरफ उसने डाटा कर दिया कॉपी, तो फिर उसके बाद अब वो घूम के वो जो अगला पार्ट आएगा वो आगे आ जाएगा, उसके अंदर डाटा हो गया, फिर वो हो गया, फिल हो गया, तो उसके बाद वो आगे आ जाएगा। इसके ना कोई पार्टीशंस बनी होती हैं कि इतनी ये राउंड पूरी जो है इसके अंदर इतने पार्टीशंस हैं, तो इसके अंदर इतनी पार्टीशंस के अंदर आपने इतना डाटा फिल कर लिया, अब इतना डाटा खाली है। जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर आप जब अपनी माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको बता रहा होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर इतना डाटा आपके पास फिल हो गया है और इतना डाटा आपके पास फ्री स्पेस पड़ी हुई है। तो इसी तरह हार्ड ड्राइव के अंदर ना वो आपको ये बता रहा है कि मैग्नेटिक हेड ना, वो जो नीचे हमारे पास होती है प्लेटर्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। तो जो हमारा मैग्नेटिक हेड है ये इसके ऊपर डाटा राइट कर रहा होता है। तो अब इसके बाद ये बात बता रहा है कि इंटरनल हार्ड डिस्क रिसाइड इन आ ड्राइव वे कनेक्टेड टू अ मदरबोर्ड यूजिंग आटा SCSI और साटा केबल। अच्छा, अब वो मदरबोर्ड की बात कर रहा है कि मदरबोर्ड के अंदर ना डिफरेंट आप इसको कनेक्ट करने के ना तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं साटा केबल के साथ, कुछ आटा केबल्स के साथ, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी है हार्ड ड्राइव ना। तो वो ये कह रहा है कि जो इसको इस चीज़ को जो पावर देती है ना, अब जारी सी बात है हार्ड ड्राइव ने अंदर चलना है तो उसने घूमना है तो उसको पावर तो चाहिए होगी, तो वो पावर जो है ना वो हमारी
पावर सप्लाई यूनिट से मिल जाती है, जो हम कंप्यूटर को पीछे से दे रहे होते हैं पावर, वोट होती है 12 वोल्ट होती है आपकी, तो इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड द यूजर पर्सनल फाइल्स, इसमें वो ये कह रहा है कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है ना, ये आपके इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, इसके अंदर आपने जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए करने हैं कंप्यूटर के अंदर वो भी आपके हार्ड ड्राइव के अंदर आ जाएंगे, इसके अलावा जो आपकी पर्सनल फाइल्स होती हैं वो भी आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर आ जाती हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो एक बेसिक चीज़ है, जो मैंने आपको फ्रंट शुरू में बताया कि जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो हार्ड ड्राइव हो वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर जितना भी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, हमारी विंडोज़, हमारा इवन पर्सनल डाटा, जो हम इवन बाहर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं, वो भी इसी के अंदर डाउनलोड होकर इसी के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक सारा आपका डाटा है ना, वो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाए ना, तो आपके कंप्यूटर का कुछ नहीं हो सकता, आपका डाटा ना सारा फारिग हो जाता है। ओके, तो इसके बाद आ जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। इसका तो सबको पता होगा, क्योंकि ये इसने रिप्लेस कर दिया था इनको, जिप ड्राइव्स को एंड फ्लॉपी डिस्क को ना सीडी ने कर दिया था रिप्लेस। अब जो कम्पैक्ट डिस्क है, ये एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है। अब पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं इजीली, ये कैरिएबल है। ओके, तो इसके बाद ये यूज़ होती है हमारा डाटा स्टोर करने के लिए। अब डाटा के अंदर डाटा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो आपकी ऑडियो हो सकती है, वो आपकी वीडियो हो सकती है। तो अब जो एक स्टैंडर्ड साइज वो बता रहे हैं ना सीडी का, तो वो होता है 4.7 इंचेस का एंड 120 मिलीमीटर्स, ये आपको बता रहा है कि ये इतनी थिक होती है, 1.2 mm थिक होती है। ये आपने सबने देखी होगी, इस चीज़ की बात हो रही है। सीडी और डीवीडी ये ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये वो आपको वेट बता रहा है, और आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें 650 मेगाबाइट से लेकर 700 MB तक आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं सीडी के अंदर। अब सीडी और डीवीडी के अंदर ये फ़र्क आ जाता है आगे, कि अगर सीडीज इतनी हमारे पास अच्छी थी और हमें ये सस्ती पड़ रही थी, तो हमने फिर सीडीज पे रहना था, तो हम आगे डीवीडी फिर हमने क्यों लॉन्च की। तो ये डीवीडी हमने इसलिए लॉन्च की थी कि सीडी जो है ना, ये मैक्सिमम हमारा 700 MB तक डाटा सपोर्ट करती थी। अब हमें इससे भी ज़्यादा डाटा चाहिए था। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो वेडिंग एल्बम्स होती हैं, वेडिंग एल्बम्स में आपके पास शादी की जो वीडियो होती है, अब वो तो 700 MB में नहीं आएंगी। उसके लिए जो प्रॉपर फिर हम सीडी नहीं, फिर उसके लिए हम डीवीडीज यूज़ करते हैं, या जो इवन आपकी मूवीज़ आ जाती हैं, मूवीज़ के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, वो आपके लिए वो अंदर उसके अंदर आ जाती हैं डीवीडीज। तो फिर अब जो डीवीडीज हैं, डीवीडीज का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है जो सीडी का है, लेकिन उसके अंदर ये है कि उसके अंदर हमारे पास डाटा बढ़ जाता है, उसके अंदर हम जीबीज में डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक डीवीडी देखी थी, उसका साइज था तकरीबन 4.5 जीबीज था उसका साइज, इतना की यानी कि उसका साइज था, तो मेरे लिए वो इजीली मैनेजेबल है। और वो कितने की थी, वो खाली अगर आपको मिल जाए तो वो तकरीबन 50 या 60 रुपए की आपको मार्केट से मिल जाती है। तो डीवीडी इसलिए काफ़ी ना इन थी। अब तो खैर यूएसबीज आ गई ना, यूएसबी ने इन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, नहीं तो पहले 2015 तक लोग इस चीज़ को बहुत यूज़ करते होते थे। इवन आपने कोई अपना डाउनलोड करना होता था सॉफ्टवेयर, या आपने कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता था, तो उसके लिए भी हम बकायदा सीडीज या डीवीडीज लेके आते होते थे। अच्छा, तो इसके आगे वो बात कर रहा, सीडी वर्क बाय फोकसिंग 780 नैनोमीटर वेवलेंथ सेमीकंडक्टर लेजर होना सिंगल ट्रैक। अच्छा, तो अब इसके अंदर ये चीज़ है कि पहले तो हम बात कर रहे थे सारी मैग्नेटिक डिस्क वगैरह की बात कर रहे थे, अब जो सीडी वाली चीज़ है ना, सीडी के अंदर ये है कि इसमें ना एक हमारे पास लेज़र बीम आ जाती है, जो ना इसके ऊपर डाटा राइट करती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो सीडी रोम है, उसके अंदर आप जब उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सीडी आप उसके अंदर रखते हैं, वो जब वापस अंदर जाती है, तो आपने उसके ऊपर अंदर कोई डाटा कॉपी करना है, या आपने उसमें से डाटा कोई रिट्रीव करना है, तो उसका ये प्रोसेस होता है कि उसके ऊपर ना एक लेजर बीम होती है। आज आपने ऐसा करना है, जी जी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं सर, सॉरी, वो बाय मिस्टेक हो गया। मिस्टेक से हो गया, ओके जी। अच्छा, इसके बाद ये चीज आ जाती है आपके पास कि अब मैं आपको ये बात बता रहा था कि जो हमारे पास सीडी है ना, अब
आपने ऐसा आज ये काम करना है कि अपना जाके ना जो आपका सीडी रोम है कंप्यूटर का उसको आपने निकाल के देखना है, तो उसके अंदर ना एक छोटा सा वो आपको ना ऐसे लगेगा जैसे कोई बल्ब है, लेकिन वो बल्ब नहीं होता, वो आपके पास लेजर बीम होती है, जिस वो लेजर बीम का ना वो होता है जिसके थ्रू वहां से लेजर निकलती है और वो उसे क्या कहते हैं जो आपकी सीडी है उसमें से डाटा रिट्रीव करती है, या उसके अंदर जो अगर कॉपी करना हो तो वो उसके अंदर कॉपी कर लेता है। तो ये वो चीज है कि ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती थी सीडीज एंड डीवीडीज। तो ये सीडी है ये ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप भी ये है कि ये काफी देर चलती रही है मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप का ये सीन था कि ये हम ज्यादातर ना आपने देखा होगा कि ये फ्लॉपी डिस्क और जिप ड्राइव्स के बाद मैग्नेटिक टेप वगैरह ना आई थी, और इसके अंदर ये था कि ये कुछ इस तरह की नजर आती होती थी। इसके अंदर भी ये जो आपको ब्लैक कलर की एक ये नजर आ रही है ना, ये सब एक मैग्नेटिक टेप है, यानी कि इसके ऊपर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वो यही बात बता रहा है कि मैग्नेटिक टेप जो है ना ये हम ये एक डाटा स्टोरेज डिवाइस ही थी, और ये काफ़ी देर तक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक चलती रही, और ये हमें काफ़ी सस्ती भी पड़ती थी। इसका ये था कि एक बार ही हमने इसके ऊपर डाटा कर लिया तो उसके बाद इसका जस्ट एक प्रॉब्लम था कि जब हमने एक बार इसको यूज़ कर लिया तो उसके बाद जब हमने इसको अगर रिवाइंड करना होता था ना तो वो हमें फिजिकली करना पड़ता था। तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक टेप है ना ये काफ़ी देर यूज होती रही है। इवन ये पहले आपने देखा होगा कि इसके लिए बकायदा इसके पूरे रिकॉर्डर्स भी होते थे, तो इसके अंदर ना करके हम इसको काफ़ी अर्सा ये यूज़ होती रही है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद इसका भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तब रिप्लेस होती है जब उससे अच्छी चीज़ आ जाए और सस्ती हो, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क रिमूव हुई, फिर उसके बाद ये हमारे पास जो मैग्नेटिक टेप है ये रिमूव हो गई, इसके बाद हमारे पास जिप ड्राइव्स रिमूव हो गई, इनको रिमूव करके वहाँ पे हमारे पास आ गई सीडी। अब सीडी कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था कि हमने कम कॉस्ट के अंदर इतना सारा डाटा स्टोरेज करने के लिए दे दिया। लेकिन अब उसके सीडी का भी एक डिसएडवांटेजेस थे कि अगर सीडी के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते थे तो सीडी से इतना ना रीड नहीं कर पाता था कंप्यूटर, क्योंकि उसकी वो लेजर जो होती है ना जब ये इसको रीड कर रहा होता है ना तो अगर दरमियान में स्क्रैचेस आ जाए ना तो वो फिर नॉइज को रीड करना शुरू कर देता है, तो हमारे पास डाटा सही तरह ना होता नहीं था। अब ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इस चीज़ का। इसके लिए बकायदा स्क्रैचेस के लिए बकायदा यहाँ पे वो भी यूज़ किए गए हैं, स्क्रैच क्लीनर यूज़ किए गए हैं, इसके बकायदा सॉल्यूशंस वगैरह होते थे कि हम साफ करके लगाते थे तो कई बार चल पड़ती होती थी। तो इसलिए इन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया सीडी ने, और सीडी को रिप्लेस कर दिया अब यूएसबी ने। उसके बाद USB का तो सबको पता है कि USB क्या चीज़ है। अब USB आप मार्केट से परचेज कर लेते हैं, वो कोई आप जिस मर्जी वो हर डाटा में आपके पास अवेलेबल है, वो 16 GB में भी अवेलेबल है, इवन 1 TB के अंदर भी आपके पास वो अवेलेबल है, तो आप उसको लगाते हैं यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपका दिल चाहे तो आप उसको डिलीट कर देते हैं, और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप वो ऐसी एक स्टोरेज डिवाइस है कि आप उसको आप इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों कह सकते हैं कि आपने उसको इनपुट करके तो आपने उसमें डाटा कॉपी कर लिया, फिर आपने अगर उसको यूज़ करना है तो आप कहीं और उसको ले जा भी सकते हैं, वो पोर्टेबल डिवाइस है। इसके बाद आपके पास आ जाता है लाइववेयर। अब लाइववेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें कि लाइववेयर ये पूछा भी गया है। तो अब लाइववेयर ये कोई ना सॉफ्टवेयर या कोई और चीज़ नहीं, ये सिंपल एक टर्म है लाइववेयर के, लाइववेयर होता क्या। अब लाइववेयर उन लोगों को कहा जाता है कि जो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं तो वो हम उन लोगों को कहेंगे कि ये लाइववेयर है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आपके पास हार्डवेयर आ जाता है और एक आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो जो बंदा इन चीज़ों को यूज़ करता है तो उसको हम एक टेक्निकल टर्म के अंदर कहते हैं कि लाइववेयर। जैसे आपको मैं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, ऑल ह्यूमन एक्सपर्टीज इन द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड लाइववेयर। अब इसमें आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो भी आपका लाइववेयर है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी आपका लाइववेयर है, आपका IT मैनेजर है वो भी, इवन जो बंदा कंप्यूटर से रिलेटेड है और वो इसको यूज करता है तो वो टर्म है हमारे पास लाइववेयर। ठीक है, अब ये प्रॉपर ये बंदा है, ये कंप्यूटर को यूज कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लाइववेयर कहेंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, ये किसी ना किसी एक फील्ड के अंदर भी एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये सारी प्रॉपर सारी चीजें हैं कि जिसके अंदर ना ओके। तो अब ये सारी चीजें इस तरह की हैं कि आपने इसको पढ़ना है जाके,
तो इसके बाद ना, अब ये तुम्हारी बिल्कुल बेसिक बेसिक सा लेक्चर था आज, इसमें से ज्यादातर चीजें आपको पता होंगी। तो अब जो हमारा मंडे को लेक्चर होगा ना, मंडे को लेक्चर ये सीन है कि मंडे को हमारा होता है प्रैक्टिकल का प्रॉपर लेक्चर। अब प्रैक्टिकल के अंदर ये सीन है। जी जी हुसैन नवाज, आपका क्वेश्चन है कोई? सर ये जो लाइव वेयर्स हैं। हाँ जी सर। हाँ ये लाइव वेयर है। सर ये लाइव वेयर मतलब कि कोई भी जो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर यूज कर, चाहे वो कोई टेक्निकल काम नहीं भी कर, तो फिर वो हाँ उसे भी हम लाइव वेयर कहेंगे। मतलब जैसे कोई, मतलब कोई हाँ सॉन्ग सुन इसको आप रहा है ऐसे भी कह यूट्यूब सकते हो। पे, जैसे देखो फर्स्ट बस एग्जांपल जो जो सीढ़ी या कोई भी डेस्क। यूजर हो उसे हम लाइव वेयर कहेंगे। हाँ तो वो भी लाइव वेयर है। अब जैसे आपका कोई भी, ये लाइव वेयर की बेसिक कॉन्सेप्ट जी है कि जो बंदा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नहीं, मतलब को, कि कोई डाटा नहीं भी इंटर कर रहा कंप्यूटर में। हाँ वो सिर्फ कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कोई कर सकता मतलब है कि मैं उसको, बता तो वो लाइब्रेरी। यूज कर रहा है, कोई डाटा नहीं है फिर, मतलब इंटर कर रहा वो, तो वो लाइव वेयर है। हाँ तो वो लाइब्रेरी है। इसका 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 ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ये है कि मतलब वो उसे लोग लाइव जो वेयर कंप्यूटर कहेंगे, को मतलब यूज करते किसी और हैं। भी पर्पस के लिए यूज करेगा, मतलब नॉर्मल किसी भी कोई। हाँ वो कुछ भी, जैसे अब देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो डाटा एंटर कर रहा है, या कोई भी सही ऐसा होगा सर, बंदा। थैंक जैसे यू। मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया कि हमारे पास ये वो टर्म है, ये उन लोगों को हम डिनोट करते हैं जी जो कि कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। जी कोई भी इंसान की कोई भी जरूरत है कंप्यूटर से, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे आपने कोई वीडियो या कोई आपने मूवीज वगैरह इसके ऊपर देखनी है, तो आप यूज तो कंप्यूटर को कर रहे हैं ना, तो इस टर्मिनोलॉजी में आप भी लाइब्रेरी हुए। जी सर जी, ठीक ठीक है क्लियर? गया सर। आप इस टाइम लाइव वेयर हैं। हाँ मैं भी इस टाइम लाइव वेयर यस हूँ, सर, थैंक आप सब इस टाइम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप भी लाइव वेयर हैं। जी सर, शुक्रिया। अच्छा एक सेकेंड, मैं ना आपकी अटेंडेंस ले लूँ। ओके आपका ना मंडे को लेक्चर हुआ करेगा इसका प्रैक्टिकल का, और सैटरडे को जो आपका लेक्चर हुआ करेगा ये आपका थ्योरी का लेक्चर हुआ करेगा। ठीक है तो अब आपका ये है कि आज तक का, तो आपका ये लाइव ईयर तक तो आपका मतलब कि ये वो क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल कैसे होगा लेक्चर, प्रैक्टिकल का। जी सर, जी प्रैक्टिकल सर कैसे होगा, मतलब प्रैक्टिकल का लेक्चर कैसे होगा। प्रैक्टिकल का लेक्चर ये होगा कि हम यहां से, मैं आपको वर्ड, मैंने माइक्रोसॉफ्ट कहा सर वर्ड की ना, प्रैक्टिकल का लेक्चर कैसे होगा। यहां से मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अच्छा मैं आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बताया करूंगा। जैसे उस दिन हमने एक लैब के अंदर लेक्चर लिया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो यहाँ से प्रॉपर ना आपको जी मैं फिर सर, बताया करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एक डेमो दे जी दूँ, ठहरे मैं आपको एक डेमो देता हूँ। जैसे कि यहां से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया प्रॉपर। मैं यहाँ से आपको ट्रेनिंग दूंगा, और वहां पे आप अपना अपना लैपटॉप ओपन करके ना वहां पे आप इसका प्रैक्टिकल किया करेंगे, और कोई क्वेश्चन हुआ तो दरमियान में आप क्यूरी करेंगे। मैं यहाँ से आपको बता दूंगा कि ये हमारे पास मेन्यू बार है, ये टूल बार है एंड फॉर्मेटिंग का, इस तरह सारा। जैसे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपका, आपके अरे पास इसका जी, मैंने कहा सर, इसका प्रैक्टिकल भी होगा पेपर में भी। नहीं, पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है, ये आपका थ्योरी का होगा, आपने नहीं रिटन मतलब कि एग्जाम जब देना होगा एग्जाम्स सारा। के बाद कोई इसका प्रैक्टिकल तो नहीं होगा। नहीं, वहां पे प्रैक्टिकल नहीं है। ये कुछ इस तरह के टूल्स हैं कि इनको अगर आप सिर्फ जी पढ़ेंगे थैंक यू। ना तो आपको समझ नहीं आएगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपको मैं बताई जाऊं कि इसमें एक
एक मेन्यू बार होती है, एक फॉर्मेटिंग बार होती है, जब तक आप इसको ऑन हैंड्स अप स्क्रीन सिंह ना करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इसलिए ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर आपका ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस लाना बहुत जरूरी है। आपका इस सब्जेक्ट का मकसद ही ये है कि आपको पता लगे कि आईटी स्किल्स आपके आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी इस पूरी करियर के अंदर, आपके एम्पायर के पूरे करियर के अंदर आपके आईटी स्किल्स आपको होने चाहिए। यस सर। ओके, तो इसके बाद ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद ना मैंने आपको एक दी हुई थी असाइनमेंट, दी हुई थी कौन कौन असाइनमेंट करके आया सर, किस चीज की असाइनमेंट? मैंने आपको सर वो आपने मंडे को कहा था, मंडे के ऊपर आपने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करके आना था, बना के लाना था सर, वो आपने मंडे को कहा था सर, वर्ड पे बनाना है। हां हां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। उस दिन जो हमारा मंडे को लेक्चर हुआ है उसी चीज के ऊपर हुआ है सर। सर मैं मंडे को नहीं था, लेकिन अब आज आपको सेंड कर दूंगा बना के। हाँ, वो अब क्योंकि जो मंडे को लेक्चर होगा ना हमारा, मंडे को ये चीजें चेक होनी है, तो आपने अपना एक 10 लाइंस का या 12 लाइंस का ना आपने ये एक बना के लाना है, प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन लिख लें या कुछ भी आप इस तरह का ये एक डॉक्यूमेंट बना के लाए, और मंडे को ये चीजें चेक होनी है आपकी, क्योंकि मुझे पता लगे आपने कहाँ तक कर लिया और अब हमने आगे कहाँ तक जाना है। सर सीवी बना ले। हाँ, सीवी भी बनाएंगे, लेकिन पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको सीवी बनानी सिखाऊंगा। सर मैं अगर मचर में बना लूंगा सर। हाँ, वो आपने लाजमी बना के लाना है। तो इसके अलावा आज वाले लेक्चर में या थ्योरी के लेक्चर में किसी को कोई मसला मसाइल है तो बता दे। सर ये नोट्स किए हुए आपने ग्रुप में? जी, इसके नोट्स किए हुए सर आपने? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर सर मैंने कहा इसके नोट्स आपने ये सेंड कर दिए हैं ग्रुप में? वन बाय वन बात करें। सर ये जो अभी पढ़ाया है इसके नोट्स मैंने कहा सेंड ग्रुप में? हाँ, इसके नोट्स बकायदा आपको स्लाइड्स वगैरह आपको मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। अभी भी लेक्चर के बाद में मैं इस चीज को आपको सेंड कर दूंगा, ये आज का लेक्चर ना प्रॉपर। अब ये वाला लेक्चर का ये सीन है कि इसके अंदर ना शुरू से लेके अब तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया है ना, वो सारा इस स्लाइड्स के अंदर है आपके पास। ये तकरीबन आप स्लाइड्स बन गई हैं 70, बल्कि आपके पास 97 स्लाइड्स हो गई हैं टोटल। अब ये जो स्लाइड्स है ना, ये स्लाइड्स बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद जो आपको बुक रिकमेंड की हुई है आपने उसके अंदर पढ़ना है, तो उसके बाद आपको कोई मसला मसाइल है तो आप पूछें। सर बुक कौन सी? बुक इंट्रोडक्शन टू पीटर नॉर्टन 8th एडिशन। अभी आपको मैंने जो आपका सेकंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस वाला ग्रुप है उसके अंदर आपको मैंने सेंड की है आपकी प्रॉपर ना ये कोर्स आउटलाइन सेंड की है, तो उसके अंदर लास्ट में 2 बुक्स ऐसी हैं जो कि ना आपको रिकमेंड की गई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। चलें ठीक है सर, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्योंकि आपकी अब थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इसलिए मैंने अब साथ साथ प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दिए कि आपको ना अब प्रैक्टिकल वाली साइड पे लेके आए। थ्योरी आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ये अगले 1 या 2 और लेक्चर्स होंगे तो फिर आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिकल ही रह गए। तो इसलिए आप थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करें, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछें। मंडे को हमारा प्रैक्टिकल का लेक्चर होगा, तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे मसला अगर आया तो। ठीक है, क्लियर? जी सर, ठीक है। ओके क्लास, फिर अब मंडे को मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।